हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो मैं बना रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि इन्वेस्टमेंट क्या है और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। अगर आपको कोई भी पैसे आपके जो है वो इन्वेस्ट करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो फ़ायदा ज़्यादा किस में होगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ SIP की। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड के अंदर होती है। म्यूचुअल फंड क्या है? तो जो शेयर मार्केट के अंदर आप लोग, हम डायरेक्ट पैसे रोक सकते हैं अपने आप कोई भी कंपनी में, पर म्यूचुअल फंड के अंदर एक कंपनी जो होती है वो हमारे पैसे बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। जैसे मान लो कि अगर आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो 10 साल के लिए, तो 6 लाख के सामने आपको मिलेंगे 12 लाख रुपये। ये तो कम रकम है। अगर वही 5,000 रुपये आप कंटिन्यू करते हो 20 साल के लिए, तो 12 लाख इन्वेस्ट करते हो आप लोग और मिलते हैं आपको 50 लाख। साउंड्स गुड। और अगर आप 30 साल के लिए कंटिन्यू 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, 12% हम लोग कार गिनते हैं, तो आपको मिलेंगे 1,80,00,000 रुपये। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 18 लाख। 18 लाख के सामने आपको 1,80,00,000 मिलेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी बड़े रकम दे के आप क्या कर रहे हो, पर ये जो है वो कंपाउंडिंग पे चलता है। अगर आपने अभी जो 5,000 पूरे साल रोके हैं, उसका जो इंटरेस्ट अगर 12% मिलता है, और वही इंटरेस्ट पे दूसरे साल भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल के ये रकम दुगना हो जाती है। ये कंपाउंडिंग की पावर है, और कंपाउंडिंग की पावर इतनी ज़्यादा है कि जो आपकी सोच से बाहर है। मैं आपको 12% बोल रहा हूँ, पर अभी तक बैंक मिनिमम 15% काट देती है। यानी जो नहीं समझते कि म्यूचुअल फंड क्या है, उन लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आप 5,000 रुपये हर महीने रोकते हो, यानी कि इन्वेस्ट करते हो, तो वो 5,000 डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट होते हैं, अलग अलग कंपनीज में सेपरेट डिवाइड होके इन्वेस्ट होते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है वो बैंक करेगी। जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है वो आपके पैसे दूसरे में इन्वेस्ट करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिला सकती है। तो देर मत करो और इन्वेस्टमेंट में ध्यान दो। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना लंबा इन्वेस्टमेंट होगा, उतने ही आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। शॉर्टकट कोई होता नहीं है जिससे आप रिच बन सको, पर ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो आपके फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।